विनोद ब्लॉग के तरफ से सभी भाई और बहनों को नमस्कार बोल के आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। और मैं दिन भर क्या क्या करता हूँ, सुबह उठ के क्या करता हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। आज तो ऐसा कुछ है नहीं, कल का जैसे मेरा रूटीन रहेगा, क्योंकि आज मम्मी का फिर से तबीयत खराब हो गया, भाभी का तो से तबीयत खराब है, तो मुझे लंच भी बनाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा। अभी मैं चाय और ब्रेकफास्ट बना के दे के आ चुका हूँ, बच्चे दो स्कूल भी जा चुके हैं और मैं ब्लॉग एडिट के लिए बैठा हूँ। अभी जैसे मैं ब्लॉग एडिटिंग के लिए बैठा हूँ मेरा मतलब घर का फ्रंट रूम में, इसी का आगे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खड़े हैं, मतलब कुछ गाड़ी शाड़ी रुका आ गए, तो मैंने फिर पता लगाया कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये डेंसिटी चेक कर डेंसिटी कंपनी चेक करने के लिए आए हुए हैं, DTC कंपनी से एक्सटर्नल इंटरनल टीम आए हुए हैं, मतलब ये डेंसिटी है। चलो ठीक है, मुझे भी इच्छुक हुआ, चलो कैसे चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है बोल के मैंने भी सोचा, इसीलिए अभी जा रहा हूँ देखने के लिए। और ये जो रोड है 4 लेन का ऑलमोस्ट बन के तैयारी है, थोड़ा सा रह गया और काम पुल गए रह गया, मतलब ब्रिज वाला काम रह गया है, और बहुत ही मतलब सुंदर रास्ता बना हुआ है। और इसमें जो प्लांटेशन लगा हुआ है बीज वाला, मैंने लगाया हूँ बीज का साइड वाला, आप देख सकते हैं। कभी भी आएंगे विश्वनाथ चारली से गहापुर तक आसाम का जो प्लांटेशन है मैंने किया हूँ, बहुत ही अच्छा है। आपको ये कंपन और ये डेंसिटी कैसे चेक करते हैं आप दिखाने ले जा रहे हैं, प्लीज़ लुक इट। फिर से मैं उसी जगह पे पहुंचा जहां काम चल रहा था, JCB ने ये गड्ढा किया हुआ है, कम से कम 3-4 फुट गड्ढा किया हुआ है, तो इनका इंजीनियर आके फिर उसको जगह को इक्वल करके इसको इनका मटेरियल यहां पे सेटअप किया हुआ है। और इसमें आपका वेट मशीन भी लेके आए हुए हैं, फिर सेंगेबल गर्म किए हैं, सिलेंडर भी लेके आए हैं, सिलेंडर में चूल्हे जला के गरम कर रहे हैं, डेंसिटी चेक कर रहे हैं, मतलब कैसा क्या है किस टाइप से करते हैं। और साथ में फिर इन्होंने मतलब साथ साथ रिपोर्ट भी बना रहे थे, इनका जो भी वेट है पता नहीं कैसा क्या बना रहे हैं, इनको ही पता होगा, तो आपको ये दिखा रहा हूँ। और जो इधर दिख रहा है बीच में ग्रीन ग्रीन सा नेट लगा हुआ है, ये प्लांटेशन का काम है, ये प्लांटेशन का मैंने ही किया हूँ। देखिए बहुत कितना अच्छा लग रहा है। इतना करने के बाद फिर मैं दूसरी साइड चला गया घर का साइड, वहाँ पे राजमिस्त्री आया हुआ है और ईंट गाँथनी कर रहे हैं वॉल का। ये भैया का घर का फ्रंट साइड का एरिया है। और गाइस आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।